नमस्कार, मैं हूं मनीष। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम संगठन भी हड़ताल की तारीख की घोषणा आए दिन करने लगे हैं। जाहिर है ऐसे हड़तालों से आम आदमी भी परेशान जरूर होगा। 16 मई को जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण से संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा निकालकर 33 जिलों में सैकड़ों कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों से संपर्क किया। सभी जिलों के कलेक्टर और 90 विधानसभा के विधायक जनप्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने को कहा, पर अब संगठन ने सरकार द्वारा संगठन की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आगामी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने की घोषणा कर दी है। संगठन के मुताबिक सरकार ने संविदा कर्मचारियों से 2018 के चुनाव के जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था, पर पदाधिकारी बताते हैं कि सरकार के 4 साल 6 माह बीत जाने के बाद भी इस वादे को पूरा न करना यह गैर लोकतांत्रिक है। हाल ही में रथ यात्रा के दौरान कई कांग्रेस विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बाद भी इनसे किसी ने भी संवाद तक नहीं किया। इस वजह से कर्मचारियों में बेहद आक्रोश व्याप्त है। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर के करीब 45,000 संविदा कर्मी आगामी 3 जुलाई से काम बंद कर आंदोलन शुरू करने वाले हैं। पदाधिकारियों ने भूपेश सरकार को यह चेतावनी भी दिया है और कहा है कि कांग्रेस को हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि 45,000 संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने में उन्होंने विवश किया है। अभी भी 1 सप्ताह का वक्त है। हमारी मांगों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अनुपूरक बजट में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की जाए, वरना आगामी चुनाव इस सरकार के लिए जीतना मुश्किल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस तरह के बातों पर किस तरीके से अमल करती है, कैसे संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है। शुक्रिया।